नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 9 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 9 फरवरी की करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की करंट अफेयर की PDF चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज करना होगा और इसको दोस्तों आप मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको लगभग MP करंट अफेयर से 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको इस टाइप से 12 PDF मिलेंगी जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की। और दोस्तों अगर आप जनवरी 2022 की PDF परचेज करना चाहते हो तो जिसने 199 पेड किए थे दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेगा। ठीक है, वो मैसेज कर दीजिएगा और बाकी इसकी कीमत दोस्तों 20 रुपीज रखी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 8 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज आप पढ़ेंगे 8 फरवरी की करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की करंट अफेयर की PDF चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज करना होगा और इसको दोस्तों आप मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको लगभग MP करंट अफेयर से 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको इस टाइप से 12 PDF मिलेंगी जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की। और दोस्तों अगर आप जनवरी 2022 की PDF परचेज करना चाहते हो तो जिसने 199 पेड किए थे दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेगा। ठीक है, वो मैसेज कर दीजिएगा और बाकी इसकी कीमत दोस्तों 20 रुपीज रखी है। सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले, तो 1 फरवरी को हमने भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ मनाई थी और ये कौन सी वर्षगांठ थी दोस्तों, 76वीं वर्षगांठ थी। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया था, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया था और 6 फरवरी को दोस्तों महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। तो सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्राम और नगर के जन्मदिवस मनाने की शुरुआत सीहोर जिले के किस गांव से करेंगे दोस्तों, तो ये चैत गांव से करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चैत गांव। और देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो गांव है वो भी कौन सा है, चैत गांव है। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले का गांव बिजकवाड़ा देश में स्वीट कॉर्न ग्राम के रूप में अपनी पहचान बना रहा है दोस्तों, तो ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का बिजकवाड़ा गांव देश में स्वीट कॉर्न ग्राम के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, छिंदवाड़ा। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में राज्य शासन ने सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, क्रिप्स, क्या मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD के पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है डॉक्टर श्रीकांत वी पाटिल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है दोस्तों। अभी राज्य शासन यानी हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा डॉक्टर श्रीकांत वी पाटिल को सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस का MD नियुक्त किया गया है। तो बात करें हम यहाँ पर सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस यानी क्रिप्स की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला स्वर्गीय सुश्री लता मंगेशकर जी के नाम से संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा इंदौर में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों। और इनका जो जन्म है वो भी इंदौर में हुआ था, तो याद रखिएगा कब हुआ था दोस्तों, 28 सितंबर 1929 में हुआ था। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जबलपुर के दोस्तों जो बेड़ा घाट है वहां पर एक लंबेटा घाट है ठीक है, जिसको वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की प्रशिक्षण सूची में शामिल किया गया था दोस्तों, तो वहां पर बनाया जाएगा भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क ठीक है। देखिए दोस्तों 2021 में हमारे मध्य प्रदेश के दो प्लेस यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की प्रशिक्षण सूची में शामिल किया गया था, वो कौन कौन से है, तो एक तो सतपुड़ा नेशनल पार्क था और दूसरा कौन सा था, लंबेटा घाट जो कि बेड़ा घाट में है जबलपुर में स्थित है और वहीं पर दोस्तों भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया जा रहा है। देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर को मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बनाया जाएगा दोस्तों, तो ये बनाया जाएगा चंबल क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर हमारे मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में बनाया जाएगा। पहला कॉरिडोर कहां पर है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु में है। दूसरा कॉरिडोर कहां पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है और तीसरा हमारे मध्य प्रदेश में होगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल ट्रांजेक्शन में मध्य प्रदेश की किस विद्युत वितरण कंपनी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों,
तो ये पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को दोस्तों डिजिटल ट्रांजेक्शन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो ये है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में तीन विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है, कौन कौन सी, एक तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ठीक है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर हो गया, तो ये जबलपुर में हो गया। और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह का आयोजन 25 से 27 मार्च 2022 तक मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल में। देखिए पहले ये दोस्तों फरवरी 18 फरवरी 19 और 20 फरवरी को होना था, लेकिन इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है कोरोना की वजह से, तो अब ये 25 से 27 मार्च 2022 तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह कहाँ पर, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी में घोषणा की थी कि हमारे मध्य प्रदेश में हर माह रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस बार दोस्तों फरवरी में किस दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा दोस्तों 25 फरवरी को। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी में कब मनाया गया था दोस्तों, तो 12 जनवरी को मनाया गया था, ठीक है। और फरवरी में कब मनाया जाएगा, 25 फरवरी को रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों में दोस्तों IVF सेंटर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर खुलेंगे। तो ये 6 जिलों में दोस्तों, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में IVF सेंटर खुलेंगे। और दोस्तों वो कौन कौन से हैं, तो एक तो ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर, ठीक है। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है, विश्वास सारंग जी, तो इनके द्वारा की गई है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में IVF सेंटर के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है और इसमें आर्थिक रूप से कमजोर दंपतियों को लाभ मिलेगा। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर आने वाले 3 महीने के अंदर खोले जाएंगे और ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और सागर मेडिकल कॉलेजों में IVF सेंटर खोले जाने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि हम हर तरह की स्पेशलाइज्ड सर्विस को मेडिकल कॉलेजों में लेकर आ रहे हैं और आज IVF बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसकी विस्तृत कार्य योजना बनाकर जल्द से जल्द IVF यूनिट मेडिकल कॉलेजों में शुरू की जाएगी। आगे आने वाले समय में मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब भी स्थापित की जाएगी। दोस्तों IVF इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं किसे है, देखिए आप सभी लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम तो सुना ही होगा, तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम ही टेस्ट ट्यूब बेबी है, ठीक है। ये वो प्रोसेस है दोस्तों जिसमें स्पर्म और एग लेबोरेटरी में मिक्स किया जाता है, इसको हम दोस्तों फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर एम्ब्रियोज बनते हैं यानी भ्रूण बनते हैं और ये लेडी के यूट्रस में दोस्तों 2 से 3 दिन बाद फिर वापस डाला जाता है। जो सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा है, एक ट्राई में लगभग 60 से 70% हो सकता है। और दोस्तों ये उन कपल्स में यूजफुल है जिनमें ट्यूब बंद है, जिनका स्पर्म बहुत ही कम है या कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सीहोर जिले की तहसील बुधनी का जन्मदिवस कब मनाया जाएगा, तो ये 6 मार्च को मनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 6 मार्च को। और बुधनी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है और बुधनी से ही दोस्तों हमारे जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, ये विधायक भी है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि प्रतिवर्ष बुधनी का जो जन्मदिन है और गौरव दिवस 6 मार्च को मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बुधनी के जन्मदिवस पर सभी नागरिक बुधनी के समग्र विकास के लिए मिलकर योजना भी बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा राज्य में कितने नगर परिषद का गठन किया गया है दोस्तों, तो ये 4 नगर परिषद का गठन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 4 नगर परिषद। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि स्थानीय लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार राज्य शासन के द्वारा 4 नई नगर परिषद का गठन किया गया है और अनूपपुर जिले में नगर परिषद बरगवा, सिंगरौली जिले में सरई और बरगवा तथा सागर जिले में कर्रापुर नगर परिषद का गठन किया गया है और सागर जिले की नगर पालिका परिषद गड़ाकोटा की सीमा में वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले में स्थित राज्य शूटिंग अकादमी परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज बनेगा दोस्तों, तो आपको बताना है कि राज्य शूटिंग हमारे मध्य प्रदेश की राज्य शूटिंग एकेडमी कहां पर है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी भोपाल डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया। तो इनके द्वारा बताया गया है कि राज्य शूटिंग अकादमी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक इंडोर फाइनल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा और मध्य प्रदेश ने शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी का प्रस्ताव भेजा है और इस रेंज के बन जाने पर मध्य प्रदेश में वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा सकेगा। और हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी के द्वारा कहा गया है कि शूटिंग के लिए पूरे प्रदेश में दोबारा टैलेंट सर्च किया जाएगा, सिर्फ भोपाल इंदौर के बच्चों को ही नहीं दूर इलाकों से भी नई प्रतिभाओं को खोजा जाएगा और तैयार किया जाएगा। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की स्लालम विधा की समीक्षा के दौरान कहा है कि ओलंपिक की तर्ज पर भोपाल में आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स भी विकसित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, 2020 का शूटिंग के क्षेत्र में एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये प्रीति रजक को मिला है। ठीक है, इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार है। तो इस बार शूटिंग के क्षेत्र में विक्रम पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? सुनिधि चौहान को दिया गया है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो एकलव्य पुरस्कार 2020 शूटिंग के क्षेत्र में प्रीति रजक को मिला है, इनका संबंध होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और शूटिंग के क्षेत्र में विक्रम पुरस्कार 2020 सुनिधि चौहान को मिला है, इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विद्युत कार्मिकों की पेंशन योजना में कंपनी के मासिक अंशदान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? तो ये 14% की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 14%। तो 1 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के द्वारा बताया गया है कि एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी क्षेत्र के अंतर्गत 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्ति एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के पात्र कार्मिकों के लिए कंपनी के द्वारा मासिक अंशदान वेतन और महंगाई भत्ते की राशि का 14% कर दिया गया है और यह आदेश 1 अप्रैल 2021 से प्रभावशील होगा। कार्मिकों द्वारा देय मासिक अंशदान वेतन और महंगाई भत्ते का 10% यथावत रहेगा। बड़ी दर से कंपनी अंशदान की राशि माह फरवरी 2022 के वेतन भुगतान के साथ जमा होना शुरू होगी और 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक की अवधि के कंपनी अंशदान की बकाया राशि को मार्च एवं अप्रैल 2022 समान किस्तों में जमा किया जाएगा। कल का हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न में से किस जनजाति का संबंध कथा उद्योग से है? तो ये खैरवार का संबंध है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खैरवार जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है। तो देखिए दोस्तों, खैर वृक्ष से कत्था निकालने के कारण खैरवार कहलाने वाली इस जनजाति को खैरुआ भी कहते हैं। जनजाति का वितरण उमरिया, सीधी, अनूपपुर तथा शहडोल डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतः है और खरियागढ़, कैमूर पहाड़ियों को यह अपना मूल निवास मानते हैं और पन्ना, छतरपुर में इन्हें कोंदार भी कहा जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय दोस्तों विंध्य क्षेत्र एवं मंडला में कत्था निकालना है। इसके अतिरिक्त वनोपज संग्रहण तथा मजदूरी का कार्य है। खैरवार के विभिन्न निवास क्षेत्रों में इनके जीवन स्तर में काफी भिन्नताएं भी पाई जाती है। देखिए दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखिए 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, उस टाइम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये एमपीपीएससी 2012 में पूछा गया था। अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, सुंदरलाल पटवा या वीरेंद्र कुमार सकलेचा? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।